नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करेंगे फिर से काफ़ी दिनों बाद वस्तुतः बिहार की। और हमारे साथ है अभिषेक तिवारी जी अपने फार्म हाउस से। अभिषेक जी आपका स्वागत है। तो बिहार में बाहर है ना? बाहर है, उत्पात है, अंधकार है। देखिए नेटवर्क के लिए भी मुझे 5 किलोमीटर दूर है। कहने को तो BSNL हर तरफ है लेकिन लैंडलाइन और वाईफाई की कहीं सुविधा नहीं। हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट 18 घंटे रहती है गांव में, ये एक अच्छी बात है जो लालू के जमाने में नहीं। तो अभी क्या बाहर चल रही है? मैंने सुना है कि हमारे नीतीश कुमार जी जो है वो बहुत संकट में है। देखिए सर, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करूंगा। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस उपेंद्र कुशवाहा ने आज से 10 दिन पहले किया था। तब उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात कही थी कि जो हमारा हिस्सा है उसके बिना नहीं। और हमारा हिस्सा किससे है? हमारा हिस्सा एक 1994 में नीतीश कुमार की ऐतिहासिक रैली हुई थी जिसमें लालू यादव से उन्होंने अपना हिस्सा मांगा था और उस वक्त समता पार्टी का निर्माण हुआ था। मैं ये भूमिका इसलिए बांध रहा हूं क्योंकि इससे आपके दर्शकों को ये पता चले कि जो नई पार्टी का गठन होने जा रहा है उसका नाम क्या होगा। दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से बड़े भाई छोटे भाई को निकालने लगे पार्टियों से तब तो सारा छोटे भाइयों का अधिकार बड़े भाई खा जाएंगे। तो उनका इशारा था कि ये मैं शरद यादव नहीं हूं और ना ही मैं जॉर्ज फर्नांडिस और ना ही मैं RCP सिंह हूं, मैं हूं उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन तीसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बम फोड़ा और वो बम ये था कि ऐसा है कि नीतीश जी पिछले 35 सालों में कौन शोषक है और किसका शोषण हुआ, क्योंकि सत्ता में तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा के नाम पे RJD और जदयू रही, तो शोषण किसका हुआ और किसने शोषण किया? बिहार के तमाम संसाधनों का शोषण राजद ने किया और आप उसी राजद के साथ मिल गए। इसके साथ उन्होंने वो पिच पे बैटिंग की जिस पिच पे कह सकते हैं मोदी जी या योगी जी बैटिंग करते हैं कि ये जो सो कॉल्ड समाजवादी विचारधारा के लोग हैं इन्होंने समाजवाद के नाम पे हर जगह पे लूटपाट किया। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि अब जो है उपेंद्र कुशवाहा के लिए जगह कम बचती है जदयू में। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के ललन सिंह, उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कौन होता है, जब मर्जी पार्टी में आएंगे और जब मर्जी हिस्सा मांग लेंगे। तो अब तलवार जो है खिंच गई है और देखना यह है कि दरभंगा में आज से 5 दिन पहले BJP की कोर कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें नित्यानंद राय थे, इसके अलावा जो लालू यादव के किसी जमाने में छोटे भाई कहे जाते थे यदुवंशी नेता रामकृपाल यादव थे, और इसके अलावा रविशंकर प्रसाद थे। और उसमें एक सुर में फैसला ये हुआ कि अब हम न तो जदयू के साथ जाएंगे 2024 में भी और 2025 में भी। तो इसके साथ नीतीश कुमार की जो संभावनाएं हैं वो एकमात्र अब रह गई है वो RJD के साथ उनके, उसके अलावा उनके पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचता है। और इधर BJP ने अपना एक अलायंस अब फॉर्म करना शुरू कर दिया है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा होंगे, जिसमें RCP सिंह होंगे, जिसमें चिराग पासवान होंगे। और मैं तो अभी जहां पे आया हूं वहां पे एक जदयू के और भूतपूर्व नेता हैं, कई नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ संपर्क में, इवन RJD के भी बड़े नेता। उसका कारण है सर, BJP पिछली बार मात्र 17 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ी थी परंतु इस बार BJP के पास लड़ने को कम से कम 28 लोकसभा है, तो 11 सीटों की वैकेंसी है। और उस वैकेंसी में देखिए कौन कौन कहां कहां से टूटता है जी। तो आपका कौन सा जिला है, कौन जिला बा? आरा जिला बा। आरा जिला के हैं आप? आरा हिले, छपरा हिले, यहाँ के तो सांसद जीते हुए हैं। चुनाव के पहले ही मैं घोषणा कर सकता हूँ कि उनको हराना बहुत मुश्किल है। तो
ये तो बेल्ट है आपकी, आरा से लेके बक्सर से लेके और पूरा हाँ। जो पूर्वांचल से लगता हुआ क्षेत्र है ये, तो ये पूरा वैसे ही बीजेपी की बेल्ट है। हाँ, जी तो अब आप ये बताएं कि यदि यह अल्टरनेटिव पार्टी बनती है उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में तो उसमें जदयू के कितने लोग जाएंगे, क्या सरकार गिरने की संभावना है? नहीं, सरकार इसलिए नहीं गिरेगी क्योंकि आरजेडी का ही जो टोटल अलायंस होता है माइनस जदयू वो लगभग 116 विधायकों का है और बिहार बीजेपी में फॉर्म करने के लिए 122 का ही नंबर चाहिए, तो सरकार गिरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मुझे लगता है। किंतु होगा क्या, देखिए आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष थे तब उन्होंने जहां जहां भ्रमण किया अपने लोगों को जदयू में बिठाया। अब देखिए खेल क्या हो रहा है, कहते हैं कि अंगूर से गुच्छा, गुच्छे से अंगूर निकल जाए तो अंगूर सड़ जाता है, तो अब लौकुश समीकरण में नीतीश कुमार को एग्जिट करने की बात हो रही है कि जो कोयरी और कुर्मी वर्ग है उसका नेता अब नीतीश कुमार ना होकर के उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह हो जाएंगे, जो नीतीश कुमार के लिए ज्यादा दुखद हो गई। कहने का मतलब यह है कि सरकार तो नहीं गिरेगी लेकिन मुख्यमंत्री का गिरना लगभग तय है। हाँ, उसके बाद देखिए क्या है कि आरजेडी को भी लंबे समय तक नीतीश कुमार फिर ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे, जो उनकी एक आदत है कि कम विधायकों पे भी वो ब्लैकमेल कर पाते हैं, तो ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। और एक बार आरजेडी की सत्ता आ गई और नीतीश कुमार पहले ही माइनस हो जाएंगे तो फिर बीजेपी के लिए 2024 ही नहीं 2025 का भी, मेरा ये मानना है अभी जो कुछ चल रहा है ये साइन है कि आने वाले 10-15 सालों के लिए अब बीजेपी बिहार में रूल करने को तैयार हो रही है और मेरे ख्याल से 2025 के बाद बिहार का एक नया भाग्योदय होगा जहां पे आरजेडी और जदयू माइनस सरकारें चलेंगी और ये लंबे समय तक चलेगी। क्योंकि मूड जो है, मैं जब गांव में भी जाता हूं और जगहों पे तो वहां के लोगों से बात करता हूं तो मूड बड़ा गजब का है। अभी देखिए यहाँ जो भागवत एक कथा चल रही है, मैं बताऊं दर्शकों को, वहां छोटे से स्वामी जी आए हैं लेकिन वहां पे भी रामचरितमानस का जिक्र उन्होंने किया। क्या बताइए किनको सत्ता में बिठाना चाहते हैं, वो जो आपके इष्ट देव को गाली देते हैं। और यहाँ पे सभी वर्गों के लोग थे, मैं ये बताऊं। और जब मैंने वो कहानी भागवत का वो चैप्टर एंड हुआ तो रात में मैंने काफी देर तक लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम यादव हो के भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि रामचरितमानस पे जिस प्रकार से टिप्पणी हो रही है, क्योंकि धर्म को लेकर के जागृति अब छोटे छोटे स्तरों पे फैलाई जा रही है। ये एक अच्छा अच्छा मुझे ये कहते हुए हिचक नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा रोल है वीएसपी का कि इन लोगों ने जो कुछ भी किया है रामचरितमानस को लेकर के, इसके बाद विश्व हिंदू परिषद एकदम ब्लॉक स्तर पे जा करके लोगों को जागृत कर रही है। ऐसा लग रहा है कि अब ये पूरा मुद्दा जो है सिर्फ बिहार में ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी बैकफायर करने वाला है। उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो अचानक एक्टिव हो गए। नहीं, वो उन्हीं के कहने पे एक्टिव हुए थे, वो फोन कॉल तो सबके पास, आई थिंक जो ट्विटर यूज करते हैं आपका और मेरा हैंडल देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि कैसे चंद्रशेखर ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा कि उनसे बात हो गई है मेरी, वो भी रामचरितमानस पे सवाल खड़ा करेंगे। ये पूरा एक सुनियोजित ढंग से प्लान था कि बिहार या उत्तर प्रदेश में अब हम जाति की राजनीति करेंगे हिंदू को डिवाइड करके ताकि सत्ता प्राप्ति आसान हो जाए, मुसलमान वोट एक ब्लॉक में मिल जाएगा हमें और हिंदुओं को जाति में विभाजित कर देंगे तो सत्ता की राह जो है आसान हो जाती है, लेकिन वो चल नहीं पा रहा है, अफसोस की बात ये है इनके लिए। ये तो बहुत पुराना फॉर्मूला है, ये तो 90s का फॉर्मूला है। लेकिन 90s में जयपुर डायलॉग्स नहीं था ना सर, अभिषेक तिवारी शो नहीं था ना, परिवर्तन ये है सर। इंटरनेट नहीं था 90s में। हाँ, मेरे आप उसको किसी भी प्रकार से, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, या हिंदुत्व के योद्धा जो कई, अब एक दो चैनल का नाम क्या लेना है, एक समुचित जो सनातन का जो युद्ध चल रहा है, वैचारिक युद्ध चल रहा है, वो अब गांव गांव तक पहुंच गए, लोग डिबेट करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे गांव में भी, मेरा चैनल तो देखा जाता है क्योंकि मैं गांव का हूँ, तो आपका भी चैनल देखा जाता है, आपका एक्सेस सोचिए आधा कि एक छोटे से गांव भोजपुर जिला के छोटे से गांव में हो गया है जहाँ पे लोग जयपुर डायलॉग्स देखते हैं और मुझसे सवाल करते हैं कि भैया आप उस दिन जो संजय सर के साथ शो में आए थे गजब ढा दिए,
तो पूरा का पूरा सोचिए कम इंटरनेट है, 1.5 GB डेटा होता है, उसमें ही सेलेक्ट करना पड़ता है कि आज चलिए 300 है संजय सर के तो कौन सा प्रमुखता से देखा जाए। अच्छा ये सर, ये तो बड़े हर्ष की बात है। निसंदेह मैं काफी खुश होता हूँ सर देख करके कि ये प्रोग्रेस है सनातन धर्म के लिए और सोच रखने वाले लोग, और अब खुल के मुखर होके बोलने लगे ऐसे नेताओं को कि तुम जाति की राजनीति मत करो, यहाँ पे बात करो सनातन की। और ये जो बिहार में बदलाव हो रहा है, मुझे लग रहा है कि बड़ा मुश्किल होगा नीतीश कुमार के लिए 2024 प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। ये कहना सच है क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो 2010 के बाद से बिहार के लिए ग्रहण बन गए। ग्रहण तो बन ही गया, देखिए अभी बिहार में पिछले 1.5 महीने में क्या क्या हुआ, और लुटियंस मीडिया पंचमकार जिसको आप कहते हैं वो क्या कर रही है, किसानों पे सर लाठी चार्ज हुआ है सर चौसा में, किसी ने बात की, स्टूडेंट्स का पेपर लीक हो रहा है, मतलब बिहार एसएससी का पेपर लीक हो रहा है और वहां का शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे बात कर रहा है, जबकि उसको सवालों के जवाब देने की प्रश्न पत्र कैसे लीक हुए। खैर लड़के आए प्रोटेस्ट कर लिए तो उन पर लाठी चलवा दी गई, नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया कि लाठियां चलवाई गई इसके बारे में क्या कहना है, तो वो खुद पूछ रहे हैं अच्छा लाठी कब चला हमको तो पता ही नहीं है। अच्छा अगर मुख्यमंत्री को ये भी पता नहीं है कि किसानों पे लाठी चल रहा है स्टूडेंट पे लाठी चल रहा है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री किस हद तक निरंकुश हो चुका है। और ऐसे में जब निरंकुश हो जाते हैं, इतना निरंकुश हो जाएगा सत्ता, चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में इतना आपने काम किया है कि जब अगर मुख्यमंत्री निरंकुश हो जाएगा तो फिर समस्या बहुत गंभीर हो जाएगी। तो अभी प्रशांत किशोर जी जो हैं वो क्या कह रहे हैं गांव-गांव में घूम। देखिए प्रशांत किशोर जी का जो कार्यक्रम है वो 2024 को लेकर के उनकी रणनीति है भिन्न, वो 2025 पे आई कर रहे हैं। अब ये बड़ा मुश्किल है कि वो किसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ टिल्ट होंगे, लेकिन जो नेल है जिसको कहते हैं कि कॉफी में अंतिम नेल डालना, उसका काम प्रशांत किशोर बेहतरीन कर रहे हैं, क्योंकि वो जन जन तक जाकर के बात करके ये पूछ रहे हैं कि ये देखो एक आदमी का बेटा जो जिसका बाप मुख्यमंत्री माता मुख्यमंत्री रही हो, उसका बेटा 10th भी पास न कर सका लेकिन फिर भी उसको अपने बच्चे के फ्यूचर की चिंता है, तुम्हारा बेटा उससे ज्यादा काबिल है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा हुनरमंद है, तो उसकी चिंता आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसके वजह से जो एक पूरा शिफ्ट आ रहा है वो धीरे धीरे अब एग्रेशन में बदल रहा है कि हाँ सबको अपनी सत्ता की चिंता, अपने बेटे की सत्ता की चिंता, एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है लेकिन फिर भी जो है वो एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बनने के बाद भी जो है हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद किया जा रहा है। तो ये अब बड़ा धीरे धीरे पता चलेगा, अचानक से 1-1.5 साल में वो जो अभी अंदर अंदर बात चल रही थी वो रोष में परिवर्तित होगा, और जब रोष में परिवर्तित होगा तो फिर वो लहर बनेगा वोटिंग के टाइम में, और जो अगेंस्ट वोटिंग होगी आरजेडी और जदयू के वो ड्रामेटिक चेंज लेके आएगा। जी तो आप जो है इस पूरे प्रोसेस को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए सर सबसे पहले तो अभी 1-1.5 महीने के अंदर जदयू में बहुत भयंकर टूट होगी, और सिर्फ टूट नहीं होगी, हम आने वाले समय में देखेंगे कि जदयू में जो राजनीतिक रूप से बाण है वो विष, जिसको कहते हैं ना विष वाले बाण फूटेंगे, जो थर थर काँप रहा था राहुल गांधी के बाद पूरा लोकसभा भाषण के बाद, तो मैंने एक पैरोडी कल की थी सर के वर्षों तक वन में घूम घूम वाधा बिनों को चूम चूम सह धूम धाम पानी पत्थर राहुल आए कुछ और निकल, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है, विपक्ष को सदमार्ग पे लाने को खुद दिग्विजय सिंह आए और बोले राहुल गांधी XPM का संदेश लाए। तो ये सारी चीजें चल रही है लेकिन फिर भी जो है कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी 20 दिन पहले ये कहा था कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते तो उनको आपत्ति नहीं है, लेकिन मन में था सर वो प्रधानमंत्री पद ही था, लेकिन बड़ी जल्दी नीतीश कुमार ने रियलाइज किया कि वो पद तो उनसे बहुत दूर है, क्योंकि भाजपा ही सत्ता में अकेले आ जाएगी, अगर भाजपा ही 272 अकेले लेके आएगी तो आप एक हाइपोथेटिकली संजय सर मैं बात कर रहा हूँ आप 40-40 भी लोकसभा की सीटें बिहार से जीत जाओ क्या फर्क पड़ता है फिर, तो पीएम बनने से रहे, अगर अब पीएम बनने से रहे तो मुख्यमंत्री की गद्दी कैसे छोड़े, इसलिए उन्होंने एक और चाल चली, उन्होंने कहा तेजस्वी यादव 2025 में हमारे
महागठबंधन के नेता होंगे। यानी तेजस्वी यादव तुम 1.5 साल तक तो हमें सत्ता में डिस्टर्ब ना करो, उसके बाद 2025 में जब होगा देखा जाएगा क्या होता है। तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा असहज हो रहे थे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में जीत के आई थी, वो केंद्र में मंत्री थे, मात्र 3 लोकसभा सीटों पे लड़े, 3 के 3 सांसद बने और उसके बाद वो केंद्र में मंत्री थे। अभी जदयू में महागठबंधन में उनके कोई पूछ नहीं रहा है, उनका कुछ हो नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा कि इस लौकुश समीकरण को तोड़ने के लिए, अच्छा भाजपा भी डेस्परेट होके अलायंस ढूंढ रही थी, क्योंकि अगर यही समीकरण रह जाता 2024 में तो बीजेपी के लिए सूटेबल नहीं रहता। तो बीजेपी अब जो आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के जरिए खेल कराना चाह रही थी, अब वो दिखने लगा है। और जदयू के भी ऑफिस में बात होने लगा, आरजेडी वाले हमें सम्मान नहीं देते, बीजेपी और आरजेडी, बीजेपी और जदयू दो भाई की तरह थे, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन होता था। और ये सच्चाई है सर, आरजेडी वाले जदयू के कार्यकर्ताओं को कौड़ियों के भाव नहीं पूछते। और ये भी सच्चाई है कि जैसे जाटव और यादव उत्तर प्रदेश में विपरीत धुरी है, उसी प्रकार से कुर्मी और यादव भी है बिहार में विपरीत धुरी है। टॉप लीडरशिप मिल गई है, लेकिन भूख जो है वो सत्ता की, क्योंकि सत्ता वर्चस्व का खेल है। पटना से अभी 15 किलोमीटर की दूरी है, वहां पे बालू माफिया बहुत सारे एक्टिव है। मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भी भेजूंगा, अभी रिसेंटली आ रहा था, तो रात के 3 बजे भी वहां पे ट्रकों का अंबार लगा रहता है। अब दो बालू माफिया सर, एक तथाकथित रूप से जिसको सोर्सेस के जरिए कहे, एक जदयू समर्थित है और एक आरजेडी समर्थित, क्योंकि यहाँ पे तो मुकेश अंबानी है नहीं फंड करने के लिए, तो यही इन्हीं माफियाओं के थ्रू जो है चुनाव में पैसे जुटाए जाते हैं। अब दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, तो आरजेडी चाहती है कि वो सत्ता में, उसके पास पैसे आए ताकि 2024 का चुनाव लड़े, और जदयू भी यही चाहती है क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम यही है। तो ये जो बंदरबांट हो रहा था वो असल कलेश का कारण है, क्योंकि बंदरबांट जो है वो बंदर न खुद खाएगा न किसी को खाने देगा, वो फिर छीट देगा, और वही सारी चीजें हो रही है बिहार जी। तो अब अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार क्या हो रहा है, क्योंकि भी मैंने देखा था कि हमारे 5 सीट जीतने वाली जो पार्टी के जो सांसद है, अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, वो कह रहे थे कि साहब की सुरजापुरी और कुलैया जो मुसलमान हैं किशनगंज क्षेत्र में, उनको भी वो रिजर्वेशन कह रहे थे ओबीसी का मिलना चाहिए, अभी नहीं मिला हुआ है शायद। नहीं 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 मिला हुआ, ये बात सही है, लेकिन क्या है अररिया और आपका फोन आ रहा है, शायद आवाज नहीं आ रही भी। नहीं फोन तो नहीं आ रहा, अभी आ रहा है आवाज। हाँ ठीक है, मैंने तो फ्लाइट मोड पे डाल के रखा था, दूसरे मोबाइल के थ्रू वाईफाई कनेक्ट करके काम चल रहा है। क्या है सर कि बहुत ही इजी है कैलकुलेशन करना। अभी बिहार के संदर्भ में मैं आपके दर्शकों को कुछ सीटें गिनवा देता हूं, जो अभी 1 साल पहले मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि श्योर शॉट बीजेपी जीत जाएगी। आरा, छपरा, पूरा तिरहुत प्रमंडल, भोजपुर, बक्सर, उसमें उधर आप सिवान, सीतामढ़ी चले जाइए, सब बीजेपी हो जाएगा। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, रोहतास में, कैमूर में, कहीं नहीं है। हाँ है कहाँ पे महागठबंधन, वो सीमांचल का एरिया है, उसमें भी मुंगेर छोड़ दीजिएगा, भागलपुर जाएंगे, अररिया जाएंगे, और यही सीमांचल के क्षेत्र में इस बार कम से कम 4 सीटों पे ओवैसी जबरदस्त फाइट के मूड में है। तो बड़ा मुश्किल होगा ये कहना कि बीजेपी वहां हारी, कटिहार, पूर्णिया, ओवैसी, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये 4 जगहों पे फाइट करने के मूड में है। और अगर अच्छे से ओवैसी लड़ गया तो किशनगंज छोड़ करके फिर पूर्णिया भी हाथ से जाएगा, कटिहार भी जाएगा, और अररिया भी बीजेपी के खाते में जाएगा। तो बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और अभी 2-3 कैंडिडेट आपको पता चला होगा, राजीव प्रताप रूढ़ी भी नाराज चल रहे हैं छपरा से, उनका टिकट कटने वाला है, ऑलमोस्ट फाइनल है ये सारी चीजें। क्या हुआ राजीव, फीडबैक पहले इलेक्शन में मैं वहां ऑब्जर्वर था। हाँ देखिए क्या है, राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी की जो पिच है वो खास करके बिहार में, वो अब स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि वो एंटी नीतीश कुमार और आरजेडी की तरफ ज्यादा जाना चाहिए था,
और दूसरा उनके ऊपर कॉमन कंप्लेन है वो क्षेत्र में नहीं दिखते। कई लोगों के फीडबैक मैंने भी भेजे हैं, जैसे कि सासाराम के सांसद है छेदी पासवान, उनके साथ भी यही समस्या है। तो अगर यहाँ पे एक जदयू के नेता है, वो भी पासवान के ही है, एक जदयू के नेता, अगर उनको टिकट मिलता है तो मुझे लगता है बीजेपी 60-70 हजार वोट से जीते। वो काफी पॉपुलर नेता है, उन्होंने सनातन के लिए काफी काम किया है पूरा। अगर आप रोहतास में जाएंगे तो डिब्रूगढ़ किले से लेकर के फिर रोहतासगढ़ किला है वहां पे, फिर चार मंदिर है, मुंडेश्वरी है, और जैसे चार धाम बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कॉरिडोर बनाया है हर एक मंदिर में जाने के लिए, और वहां पे व्यवस्थाएं उन्होंने स्वयं जब वो आरएलएसपी से विधायक थे तब रहते हुए उन्होंने कर दी थी, और अब तो आरएलएस पूरा एक्टिव होने जा रहा है, तो देखना है कि वो किस और करवट ले रहा है। लेकिन अभी है कि बिहार में कम से कम वो दिखने तो लगा है, लोग अभी से। नीतीश गुट के भाजपा नेता कौन कौन से? बहुत सारे लोग हैं सर, ललन पासवान हो जाएंगे, कुछ लोग एग्जिट भी मार चुके हैं, इसके अलावे आलोक मेहता हो जाएंगे, आरसीपी उपेंद्र कुशवाहा की पूरी एक टीम है सर, पूरी लॉबी कट के निकल जाएगी, पूरा कैडर टूटेगा। इसीलिए मैंने कहा सर कि जदयू हो सकता है महागठबंधन सत्ता बचा लेगा, लेकिन जो टूट होगी वो अब दिखता है गांव-गांव में। लोग अभी से ही 2024 में जैसे मैं आया तो लोग मुझसे ये सवाल नहीं कर रहे थे कि बिहार में कितनी सीटें आएंगी, टिपिकल भोजपुरी में टोन है जो लोग कहते हैं कि क्या हो मोदी आई है कि ना आई है। अब सवाल बिहार में भी यही है कि मोदी आई है कि ना आई है। अगर बिहार की राजनीति में इस सवाल को हम समझे, चूंकि आपने बहुत सारे बिहार में भी इलेक्शन करवाया है, तो इसका मतलब ये है कि कोई नेता है ही नहीं फिर, या तो मोदी को वोट देना है या मोदी के खिलाफ वोट देना है। मोदी आएगा या नहीं आएगा इसका मतलब यही है कि यहाँ पे अब सांसद और ये सारी चीजें मैटर नहीं करती हैं। मोदी अपने आप में बहुत बड़ा चीज हो गया है बिहार में भी, कि मतलब मोदी को लाना है तो बस अब वही खेल चल रहा है। और अब देखिए मुझे लगता है 2 महीने के अंदर बिहार में काफी चीजें जो है वो पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जहां तक मेरे पास इनपुट है कई जदयू के नेता जो सांसद का टिकट पाना चाहते हैं बीजेपी से इस बार, उनको अमित शाह जी के द्वारा कहा गया है कि कम से कम चुनाव से 1 साल पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपको टिकट मिलेगा कि नहीं, और आप अभी से अपने क्षेत्रों में घूमना शुरू कीजिए। इसीलिए मैं डेड श्योर हूं कुछ नेताओं के बारे में, लेकिन वो नाम मैं भी सोच रहा हूं कि कम से कम मार्च होली के बाद ही रिवील करूंगा। मेरे लिस्ट में 5 बड़े जदयू के नेता है जिनसे मेरी बात हुई है व्यक्तिगत रूप से। चलिए ये बताइए, और वो डेड श्योर है कि उन्हें बीजेपी से बहुत लोग का कटेगा सर, बहुत लंबे चौड़े नाम है सर। हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी का कट जाएगा, हो सकता है इस बार बक्सर से चौबे जी का भी कट जाए, इसीलिए चौबे जी बहुत बक्सर में प्रोटेस्ट वोटेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा कुछ दिख जाए पीएम को। इसके अलावे सर पूर्णिया में, कटिहार में बहुत ज्यादा कैंची चलेगी, मुझे लग रहा है कि सिटिंग पाछे एक औरंगाबाद के भी सांसद हैं सिंह साहब, उनके भी कट जाएंगे सुशील सिंह। तो मुझे लगता है कि इस बार टिकट, पिछली बार ही उनको टिकट देने के लिए काफी मत्था पची हुई थी, इस बार उनका टिकट कटना डेड श्योर है, मतलब एकदम फाइनल सा है। तो वो सारी सीटें भी खाली हो रही है, और बीजेपी लड़ी भी 17 पे थी, 28 में इस बार लड़ेगी। आरजेडी के कई लोग, ये जो जगतानंद सिंह के बेटे हैं सुधाकर सिंह, वो लगातार जो बिगुल फूके हुए हैं, उसका कारण ये है कि उनका भी इंटरेस्ट ये है कि कहीं से भाजपा के नाम पे टिकट मिल जाए, वो सीमांचल का एरिया छोड़ करके तो जीत ही जाना है एनडीए के नाम पे, तो सेफ सीट सभी तास रहे हैं। अच्छा, ये जो मगध का क्षेत्र है आपका, पाटलिपुत्र और पटना सिटी, पाटलिपुत्र पटना सिटी तो छोड़ दें, उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है जहानाबाद, गया नालंदा, आपका नवादा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर तो जदयू की जड़ें काफी सुदृढ़ होनी चाहिए। इसीलिए आरसीपी सिंह बहुत बड़ा तुरुप का पत्ता साबित होगा। पिछले 1 साल से नालंदा, बिहार शरीफ में, वैशाली में बहुत काम किया है, अपने लोगों को जोड़ा है, मतलब पार्टी से निकाले जाने के बाद आरसीपी सिंह मुझे लगता है कि एक दिन भी उन्होंने रेस्ट नहीं किया है। अब वो किसके, ये आज से कुछ दिनों पहले तक यही कह रहे थे लोग, ये किसके बूते इतना कर रहे हैं, इतना तो इनके पास फाइनेंस भी नहीं है, तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है वो तो जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शक समझ ही गए होंगे कि किसने ये सारी कार्यक्रम कराए हैं। सर, कास्ट की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, बिहार नेता लामबंद किए जा रहे हैं जदयू बीजेपी की तरफ से,
अब ब्राह्मण नेताओं पे भी फोकस हो रहा है, राजपूत के बड़े नेता डॉक्टर आर के सिंह जो आरा के सांसद हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने कोर ग्रुप को संभालिए। तो फाइनली बिहार में चलती तो जाति की ही राजनीति है, मगर जाति की राजनीति में भी जैसे अब पासवान जाति की बात हो रही है तो सिर्फ एक नेता नहीं, कलेक्टिव रूप से कई नेता हैं जो पासवान समाज का नेतृत्व करते हैं, उन सबको बीजेपी ने अपने खेमे में मिला लिया है। अच्छा, और 6% सर वोट शेयर है पासवानों का। कितना है? अकेले 6%। 6% बड़ा वोट है। लेकिन कुर्मी कोरी कुर्मी अकेले तो 3% ही है। हाँ, ये दोनों मिला के लगभग 7% होते हैं। तो इसी वजह से तो कुशवाहा ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनको पार्टी से निकालेगा। देखिए, कुशवाहा की सोच क्लियर है, वो स्वयं नहीं जाना चाहते, वो अपने आप को ये विक्टिम कार्ड के तौर पे प्रस्तुत करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने उनको पार्टी से निकाल दिया। और नीतीश कुमार ने उनको पार्टी से निकाल दिया, बताइए आरजेडी की भक्ति के लिए कुशवाहा का जो है अपमान हुआ, कुशवाहा समाज का अपमान किया नीतीश कुमार ने, और उसी वजह से वो फिर 4% को शिफ्ट कराने का वो पूरा प्लान है। पूरी मीडिया, सोशल मीडिया, पूरी विंग तैयार है, बस मोटा भाई के इशारे का वेट हो रहा है। जी, और जो बंगाल से लगता हुआ क्षेत्र है वही किशनगंज वाला बोल रहे हैं ना? हाँ, किशनगंज वाला है। हाँ, ठीक है, नीचे वाला तो बीच में झारखंड आ जाता है। हाँ, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो देखिए, पूर्णिया में तो मुझे लगता है बीजेपी जीत जाएगी इस बार, जो स्थितियां बन रही हैं, जो कि सीमांचल का सीट आता है। कटिहार थोड़ा टफ होगा सर, क्योंकि कटिहार में वो जो साथ डेमोग्राफी वाली बात है, अब वहां पे कितना अच्छा ओवैसी चुनाव लड़ता है इस पर बहुत निर्भर रहता है सर। अगर ओवैसी 10% वोट काट ले जाता है तब तो बस, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा सर। देखिए क्या है कि अगर हिंदू यूनाइट हुए सोशल मीडिया के थ्रू, तो मैं सीमांचल के जब दौरे पे था तो मैंने देखा वो कम्युनिटी भी एकदम बहुत ब्लंटली यूनाइट है। आप 6 साल के मुस्लिम बच्चे से पूछिए या 84 साल के, उन सबको पता है कि उनका दुश्मन जो है मोदी है, योगी है, बीजेपी है, नहीं करना है वो भी यूनाइट है सर। तो बड़ा मुश्किल होगा सर ये भी। जी जी, तो कहने का मतलब है कि बिहार में बहुत मजे की राजनीति देखने को मिलने वाली है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी 2025 के दृष्टि से अपना कोई नेता प्रोजेक्ट कर पाएगी? देखिए, अगर सम्राट, देखिए मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूं उसका नाम अभी तक मीडिया हाउस ने नहीं लिया है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर सम्राट चौधरी को इस वक्त बीजेपी प्रस्तुत करने का सोचे एज अ सीएम, तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा और अकेले सत्ता में लेके आएगी बीजेपी अपने आप को। ऐसा क्यों सर? सम्राट चौधरी वो क्या कहें कि सोफ, ये जो नेट काम कर रहा है कि नहीं? हाँ, ये जो तथाकथित सोशलिस्ट वाले जो हैं, इनको काउंटर अगर कोई कर सकता है उनके सोशलिज्म वाले पिच पे, तो सम्राट चौधरी, और बहुत अच्छा काउंटर करते हैं सर। धीरे धीरे उनका मास बढ़ रहा है, लोग उनको पसंद करने लगे हैं, और वो लगातार इस वक्त आरजेडी और जदयू दोनों पे बहुत अच्छे ढंग से ना केवल हमलावर है बल्कि उनको बैकफुट पे ढकेले हुए। और जातीय समीकरण में कहां फिट होते हैं? जातीय समीकरण में सर ऐसा है कि ओबीसी से है इसलिए फिट हो जाते हैं सर, क्योंकि ओबीसी माइनस यादव का पॉलिटिक्स है सर बिहार में। अच्छा, तो इसलिए नित्यानंद राय नहीं चलेंगे? देखिए सर, नित्यानंद राय के साथ बीजेपी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ये बात मान लेना चाहिए। फिर वहां सुशील मोदी आड़े आएंगे, बहुत सारे लोग हैं सर। लेकिन सम्राट चौधरी एक ऐसे नेता हैं जो अमित शाह के भी काफी क्लोज हैं, मोदी के काफी क्लोज हैं, तो एक ये भी तो फैक्टर है सर। जी, तो कहने का मतलब है हम सबको बिल्कुल अब स्टेडियम में बैठ जाना चाहिए और इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए कि खेल कब शुरू होता है और पहली बॉल जो है वो कब डाली जाती है। दो अनाउंसमेंट मैं जयपुर डायलॉग्स पे अभी कर दे रहा हूँ। अगले महीने से जयपुर डायलॉग्स
के चैनल पे दर्शक बिहार की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखेंगे। हो सकता है वो मेरे द्वारा न किया गया हो, क्योंकि मैं टीम बड़ी कर रहा हूँ, उसमें कई पत्रकार को मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हायर कर रहा हूँ, लेकिन वो ATS JDS पे अलग अलग ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा होता है तो दो चैनल चाहिए होता है। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग की लगातार सिर्फ यूपी और बिहार से भी शुरू करेंगे, झारखंड में जाएंगे, और 2024 का जो हर महीना है वो हम एक एपिसोड 2024 के संदर्भ में वो ग्राउंड रिपोर्टिंग और फिर एनालिसिस मोस्ट प्रोबेबली शुरू कर देंगे। सर, कई पत्रकारों से मैंने बात कर ली है जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बिहार में तैयार है, एक बाइक, एक कैमरा, एक माइक, और चलते हैं फिर अब गाँव गाँव, फिर दर्शकों, क्या है ना कि सर जो ग्राउंड पे ग्रामीण लोगों की बात है ना, वो ज्यादा क्लियर पिक्चर देगी हमारे दर्शकों को, और हमारे दर्शक इतना तो कम से कम डिजर्व करते हैं हमारे लिए, हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, तो आज की चर्चा को फिर हम यहीं पर विराम देते हैं, आपकी प्रतीक्षा करेंगे कि आप वापस पटना आए तो फिर एक और विस्तार से फिर चर्चा की जाएगी। जय श्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।